हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज व्लॉग। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, दिस व्लॉग इज़ गोना बी वेरी वेरी मच एक्साइटिंग, क्योंकि आज हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब ट्रिप उमरा करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रिप होने वाली है, मतलब 2 to 3 days। हमें एक्चुअली 8 to 9 hours ड्राइव करना था, तो फिर हम लोग निकल गए रात के 10 o'clock। तो फिर हम लोग थोड़े से दूर चले और मुझे लगी थी भूख, तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो हमने फिर ले लिया खाना। हालांकि अभी तो चल टाइम नहीं है, लेकिन अभी देर से मुझे भूख लगी है। तो नाउ वी आर हैविंग आवर मील। तो अभी हम पी रहे हैं पेप्सी, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर। मतलब हाँ, टाइम क्या हो रहा है? 11:45 हो रहे हैं और अभी भी सोए नहीं है हम, और फिर भूख लगी है, तो इस वजह से अभी स्टॉप पे रुके हम। हर चीज हाँ, फिर भी हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद चलेंगे। बाय बाय, नाम के लिए एंजॉय मम्मी। राइट नाउ वी आर एट निकात। अभी हम लोग निकात पे हैं और यहाँ पे अभी हमें कपड़े चेंज करने और शार लेने हैं, तो अभी तक मैंने करे नहीं है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ। फजर की नमाज़ तो पहले हो गई थी, तो हमने पहले वो पढ़ ली फजर की नमाज, अब हम पढ़ेंगे निफल। तो अभी हम उसके लिए पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। और मैं आज इसका वगैरह बुरखा पहनी हुई हूँ, ओके। और गए, सुबह हो चुकी है और मैं बरात घर नहीं सोई हूँ। लेट मी शो यू ऑल। सो गाइस, एक्चुअली सुबह हो चुकी थी, 6 o'clock हो रही थी और मैं पूरी रात नहीं सोई थी। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, बट मिकात अच्छी थी और मतलब नमाज़ पढ़ी हमने। और फिर हम लोग निकल गए मक्का की तरफ, और क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने थोड़ी सी सोने की कोशिश करी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और मैंने बस मफिन और नगेट्स खा लिए थे जो कि हम घर से लेके आए थे, लेकिन नगेट्स की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, आई डोंट नो क्यों हुई। बट जब मैं सही कर रही थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे पेट में, फिर दैट्स व्हाई। तो आई थिंक नगेट्स की वजह से हुआ था, वो अफेक्ट कर गए थे, माई स्टमक वॉज लाइक अपसेट दैट टाइम। फिर हम पहुँचे यहाँ पे, बहुत सारे पिजन्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम पहुँच गए मेन जगह पे, फिर हमने तवाफ किया और लाइक दिस मोमेंट वॉज पीसफुल, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली सुबह के 10:30 अराउंड हो रहे थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा रश भी नहीं था यहाँ पे। और आज देखिए चेंज हो रहा था इसका जो होता है कपड़ा, तो क्लोथ्स जो होते हैं तो वो चेंज हो रहे थे। बट बाय द वे, दिस वॉज सुपर डुपर गुड, मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये। फिर हमने उमरा करा और फिर हम पहुँच गए होटल पे। नाउ आई एम इन माय होटल। सो गाइस, एक्चुअली मैं बिकॉज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माई फ़ोन, मेरा जो फ़ोन था उसकी बैटरी लो गई थी। मैंने ज़्यादा व्लॉग क्यों नहीं करा, लेकिन मैंने दूसरे अपनी सिस्टर के से थोड़ा सा व्लॉग करा है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो गाइस, अभी मैं होटल में बैठी हुई हूँ और अभी मैं फूड का खाने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो इस टाइम पर आई एम सिटिंग ऑन माई विंडो। तो गाइस, एक्चुअली अभी हम ना एक्चुअली अभी नीचे आए थे बिकॉज रिसेप्शन पे, बिकॉज हमारे जो रूम की लाइट थी वो चली गई थी। तो अभी हम नीचे आए और अभी 1 o'clock हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारा, क्योंकि रूम 17th floor पे, लाइक इट्स सुपर गुड। अभी हम वापस जा रहे हैं रूम में, बिकॉज अभी कुछ पता नहीं है कब तक राइट वापस आएगी। तो
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग मतलब रात को अच्छे से सोए थे और फिर हम लोग सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करा हमने अच्छा सा। मतलब यहाँ पे तो हमने स्वीट्स ही लिए थे बिकॉज सारा अरबिक ब्रेकफास्ट था, जो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, लाइक लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, तो मुझे वो खानी नहीं थी, स्वीट लिया हमने। फिर हम लोग पहुँचे रूम पे और फिर हम लोग रेडी हुए और आज मैंने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं ताइफ। यस, हम लोग मतलब ताइफ ऐसे 2 और 1:30 मतलब ऐसे अराउंड है ड्राइव, और तो फिर काफ़ी पास था, हम लोग वहाँ पे गए। और एक्चुअली गाइस मैं बता देती हूँ, इस दिन ना एक्चुअली फ्राइडे था, तो फिर हमने एक स्टॉप लिया और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, फिर हम लोग निकल गए। और ताइफ जो है वो माउंटेन की टॉप पे है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, ये बहुत ज़्यादा ऊपर था, बट वो नहीं आया कैमरे में तो मैंने नहीं लिया। तो फिर हम ताइफ में पहुँचे, हमने मॉल में जाके लंच करा अपना। हम लोग मॉल में कुछ ऐसे ज़्यादा खास नहीं मिला, तो फिर हम लोग मॉल से निकले और गए। बिकॉज फ्राइडे था तो आधा से ज़्यादा मतलब चीज़ें बंद थी, तो फिर अराउंड 5 और 4 मतलब यहाँ की लोकल मार्केट खुली गई थी, तो मतलब ये मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब अभी तो थोड़ी सी धूप हो रही है लेकिन बाद में सब ख़त्म हो गई थी। लाइक जैसे हम लोग क्या होती है ना इंडिया में क्लोथ्स शॉप और बुरखे एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ था। फिर मगरिब की अजान हुई तो सब कुछ बंद होने लग गया था, फिर मगरिब के बाद ये दोबारा से खुलता था और मतलब काफ़ी अच्छा था। जैसे हम लोग क्या होते हैं फ्रूट्स वगैरह सब थे और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग निकल गए मक्का के लिए और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्काई हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग माउंटेन की टॉप पे थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। लाइक ताइफ की स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत पूरे रूट पे ट्रैफिक था। फिर हम लोग मक्का पहुँचे, हमने मक्का मॉल में जाके शर्मा खाया, भूख लग रही थी, डिनर करा हमने, वहाँ से कुछ थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी शॉपिंग करी। फिर हम लोग पहुँचे होटल में, हमने सोए मतलब सोए अच्छा सा, और फिर सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा, कॉफ़ी ली और हम रूम पे चले गए। हालांकि मैंने कॉफ़ी बाद में फेंक दी थी क्योंकि मैंने बनाई थी वो कॉफ़ी। तो फिर हम लोग रेडी हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। यस, तो नाउ इट्स टाइम टू लीव द होटल। और गाइस लिटरली, और गाइस मैं बताती हूँ मेरा आउटफिट चेंज कैसे हुए, क्योंकि हम लोग एक बीच पे रुके थे सनसेट के टाइम पे, तो हम थोड़ा सा पानी में चले गए थे, उस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। फिर हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके थे, फिर हम घर पहुँच गए फाइनली। तो गाइस हम फाइनली घर पहुँच गए थे रात के 12 o'clock। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।